दोस्तों आज की वीडियो कुछ सवालों से शुरू करते हैं। चलिए बताइए कि आपको अपने चेहरे पर हमेशा रहने वाले सूक्ष्म जीवों के बारे में पता है, या फिर आप ये जानते हैं कि सेब जैसे फलों पर इस्तेमाल होने वाले मोम किस चीज़ से बनती है और ये आप पर क्या असर कर सकती है। इसके अलावा क्या आप ऐसी चिड़िया के बारे में जानते हैं जो अपना घोंसला नहीं बल्कि पूरा का पूरा महल बनाती हो। अगर दोस्तों आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के पूरा होने तक आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त नारायण और आप देख रहे हैं ट्रेवल द वर्ल्ड। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको इस चैनल पर हर रोज़ देखने को मिलेगी। खैर चलो मुद्दे की बात करते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले आपको जर्मनी के रहने वाले साइमन वेकर्ट नाम के इस शख्स के बारे में बताते हैं जिन्होंने गूगल मैप को चकमा दे दिया। असल में दोस्तों साइमन ने गूगल मैप को भ्रमित करने के लिए एक अनोखा एक्सपेरिमेंट किया, जहां पर साइमन ने एक बोस्केट में 99 मोबाइल फोन्स को चालू करके रख दिया और उसे अपने साथ बर्लिन की खाली सड़कों पर ले जा रहे थे। इन्होंने पहले ही सोच रखा था कि जिन सड़कों पर जाएंगे वहाँ चारों तरफ सन्नाटा होना चाहिए, और ऐसा इन्होंने किया भी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसा एक्सपेरिमेंट है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सड़क पर जाकर जब साइमन ने मैप चेक किया तो इन्होंने पाया कि जिन खाली सड़कों पर ये घूम रहे थे वहाँ गूगल मैप भारी ट्रैफिक दिखा रहा था। इसका सीधा सा मतलब यही है कि गूगल मैप कभी भी सड़क पर लोगों के हिसाब से जानकारी नहीं दिखाता, बल्कि गूगल मैप सड़कों पर चल रही कार और मोबाइल के GPS सिस्टम के जरिए ट्रैफिक सेट करता है, और यहाँ इस चीज को साइमन ने लोगों के सामने पेश किया। दोस्तों जब बात पेड़ों की होती है तब हम सभी को पता है कि पेड़ न सिर्फ पानी को सोखते हैं बल्कि हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। इसके अलावा भी पेड़ों के कई सारे फायदे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है पेड़ पानी सोखने के साथ पानी को वापस फेंकते भी हैं? और अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा हो तो ये नज़ारा खुद ही देख लीजिए। ये एक शहतूत का पेड़ है और ये पेड़ अभी का नहीं बल्कि 150 से 200 साल पुराना है, जहां लगभग 25 साल से भारी बरसात के बाद ये पेड़ पानी फेंकता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों अगर हम इस पेड़ के पीछे के रहस्य की बात करें तो ऐसा तब होता है जब भारी बरसात के चलते भूमिगत पानी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और इसी वजह से जमीन में और ज्यादा पानी सोखने की क्षमता नहीं रहती, जिस कारण जमीन का पानी पेड़ की जड़ों से होते हुए पेड़ में भर जाता है और फिर एक फव्वारे की तरह पेड़ से पानी निकलने लगता है। दोस्तों आपने कई तरह के पक्षियों के घोंसले देखे होंगे, लेकिन अब हम आपको जिस घोंसले के बारे में बता रहे हैं वो कोई साधारण घोंसला नहीं है, बल्कि ये घोंसला इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसके अंदर 4 से 5 लोग आसानी से फिट हो सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भला इतने छोटे पक्षी को इतना बड़ा घोंसला बनाने की क्या ज़रूरत है। तो हम आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले पक्षी अपने घोंसले को इतना बड़ा इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनके इस इलाके में सर्दियों के समय जबरदस्त ठंड और गर्मियों के समय झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है, और इन्हीं से बचने के लिए ये पक्षी इतना बड़ा घोंसला बनाते हैं जहाँ पर एक पक्षी नहीं बल्कि इनका पूरा का पूरा समूह मिलकर रहता है। अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस बड़े से घोंसले के अंदर छोटे छोटे छेद है जो हर पक्षी का अलग अलग रूम है, जहाँ बच्चा हुआ एक्स्ट्रा घोंसला इन पक्षियों को रहने वाले छेद को ठंडा या गर्म रखने में मदद करता है। अब दोस्तों जरा आइसलैंड की इन खूबसूरत पारदर्शी गुफाओं को देखिए, क्योंकि आइसलैंड में बनी इन गुफाओं के अंदर जाने पर आपको लगेगा कि आप किसी कांच के बने हुए महल में आ गए हो। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये एक पारदर्शी बर्फ है, ये 1-2 साल में नहीं बनती बल्कि ऐसा तब होता है जब सैकड़ों सालों तक एक ही जगह पर जमी रहती है, और एक ही जगह पर इतनी सालों तक जमे रहने के बाद बर्फ के वजन से एयर बबल्स बाहर निकल जाते हैं और बिना बबल्स वाली क्रिस्टल की क्लियर बर्फ बच जाती है। हालांकि इस तरह के बर्फ बनने का बड़ा कारण यहाँ का साफ पानी भी है। दोस्तों क्या आपको पता है अगर आप अपने मुंह पर टेप चिपका कर उतारेंगे और उस टेप को माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे, क्योंकि माइक्रोस्कोप में आपको इस तरह का एक छोटा सा जीव दिखाई देगा। दोस्तों इस छोटे से जीव को फेस माइट के नाम से भी जाना जाता है, जहां ये आपके मुंह पर मौजूद छोटे छोटे हिस्सों में रहता है।
जिनका साइज मात्र 0.3 मिलीमीटर होता है, यानी कि इन छोटे छोटे पांच जीवों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो ये लगभग एक राई के दाने के बराबर होंगे। वैसे तो ये आमतौर पर मुंह के चिकने हिस्सों में मौजूद रहते हैं, जो कि लगभग हर इंसान के चेहरे पर पाए जाते हैं। दोस्तों, ये फेस माइट अपनी पूरी जिंदगी आपके चेहरे पर ही बिताते हैं, फिर चाहे वो अंडा देना हो या बाकी कोई और काम। लेकिन भाई साहब, घबराने की कोई बात नहीं है, ये जीव बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन अगर अभी भी कुछ लोग अपने आप को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है, तो उनके लिए हम आपको बता दें कि इन छोटे छोटे जीवों को चेहरे से हटाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ घबराने की कोई बात ही नहीं है। अगर ज्यादा ही घबराहट हो रही हो तो मैं आपको एक देसी नुस्खा बता देता हूँ, शायद आपको उससे राहत मिल जाए। आपको बस करना यह है कि इस वीडियो के नीचे लेफ्ट की तरफ लाइक का और राइट की तरफ सब्सक्राइब का बटन है, बस उन्हें दबा देना है और वीडियो को आगे कंटिन्यू देखते रहना है। बस थोड़ी ही देर में आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे। अच्छा, हमको सिखा रहा है। अच्छा दोस्तों, जिस हिसाब से आप कछुओं के बारे में सुनते होंगे तो उससे आपको यही लगता होगा कि ये काफी ढीले ढाले और सुस्त होते हैं। तो भैया, इनको कमजोर या ढीला ढाला समझने की गलती कभी मत करना, क्योंकि अमेरिका के एलिगेटर स्निपिंग टर्टल एक ऐसे कछुए हैं जो खतरनाक होने के साथ साथ अपने ताकतवर जबड़ों के लिए भी जाने जाते हैं। अगर एक बार कोई जीव इनके चंगुल में फंस गया तो बचकर निकलना नामुमकिन है। दोस्तों, अगर आपने सेव के ऊपर मोम की परत चढ़ाई जाने वाली कोई वीडियो देखी होगी तो आपका भी खून खोल उठा होगा कि केवल सेव को चमक देने के लिए आपकी सेहत के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जाता है, क्योंकि इस तरह के वीडियोज में आपको यही बताया जाता होगा कि सेव के ऊपर लगाई जाने वाली वैक्स आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो आपको मौत के घाट उतार सकती है। पर चिंता मत कीजिए, इसके पीछे का सच एक और भी है। असल में दुनिया भर में मौजूद फ्रूट एक्सपर्ट की माने तो एप्पल के ऊपर कुदरती मोम मौजूद होती है, लेकिन फ्रूट की पैकेजिंग और उसे तोड़ते वक्त मोम की परत उतर जाती है। इसी तरह से फलों की चमक को बरकरार रखने के लिए ऐसा किया जाता है, ताकि फल और सब्जी ज्यादा समय तक फ्रेश बनी रहे। दोस्तों, ये कुदरती मोम सब्जियों, पेड़ों और फलों वगैरह से ही प्राप्त होती है। हम आपको ये भी बता दें कि भारत में फलों के ऊपर इस्तेमाल की जाने वाली मोम खजूर के पत्तों से मिलने वाली, जिसका आपके शरीर पर कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलूंगा आपसे किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय।